हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सो आज अपने साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिन्हें आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एसएससी के एस्पिरेंट्स जो कि बढ़िया तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हेमंत भाई, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल के मालिक। तो मैक्सिमम वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जस्ट ऑन द वर्ज है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं इनसे गाइडेंस मांगते हैं कि हमें कौन सी जो है पोस्ट प्रेफर करनी चाहिए जिससे कि हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन ले सकें। तो हेमंत भाई स्वागत है भाई आपका जोधपुर में। कैसा लगा जोधपुर? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जोधपुर जो हम देख रहे हैं सुमित भाई के साथ वो अलग ही जोधपुर है। अब तक मतलब 14 दिन हो चुके थे हमें जोधपुर में, जैसे आर्म्स ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर दिल्ली जोन से। तो जोधपुर जब मैं सुमित भाई के साथ घूम रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगा है, और आगे देखते हैं अभी जोधपुर में और क्या क्या है। तो चले गए, इनकी जो एक्चुअली ट्रेनिंग है एक्सरसाइज की वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, उसका कंप्लीशन आई थिंक अभी और भी बाकी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक हिस्सा था, यहाँ पर एक 14 डेज की 2 वीक्स की हमारी आर्म्स ट्रेनिंग थी, यानी वेपन जो है वो कैसे चलाते हैं, पिस्टल है, राइफल है, उस सब के लिए यहाँ भेजा था। तो हेमंत भाई आपने मतलब सबसे पहले एसएससी की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, फिर आप एक्सरसाइज लगे, और एक्सरसाइज भी दिल्ली में जो कि एक बच्चे का सपना होता है, और ये सब होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा था कि आपको मैच में सुमित भाई चैनल पे आने का मौका मिलेगा? इसको हटा देंगे। तो चलिए गाइस, फिलहाल हम आ गए हैं एक बहुत ही फेमस यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज्ञान विहार क्लासेस। ज्ञान विहार क्लासेस के अंदर आज जो है मॉक टेस्ट था बच्चों का, आप ही की तरह बच्चे जो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों के थोड़े से डाउट्स क्लियर करने, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने, और जो भी एक बढ़िया सा इंटरेक्शन करने हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सो आई एम श्योर बहुत बेनिफिट होने वाला है आज बच्चों को हेमंत भाई से। वो ऐसा पर्सनैलिटी देख रहे हो, देखो बंदे चल रहे हैं तीन लेकिन चमक एक ही बंदे में है, और ये जो यूनिफॉर्म है भाई जिसके शरीर पे आती है बंदा वैसे ही भोकाल हो जाता है ना। भोकाल मतलब अलग ही एक स्प्रिट आ जाती है जो भी इसे पहन लेता है, अलग से एक मतलब आप फील कर जाते हो कि यू आर समथिंग नीचे आ गए हैं। सो ज्ञान विहार क्लासेस वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर हम ये मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर की अगर बात करें तो। सो गाइस बहुत ही बढ़िया शानदार एक्सपीरियंस रहा, हेमंत भाई ने समय बांध दिया था क्लास में, बच्चे रुक ही नहीं रहे, डाउट्स पूछे जा रहे हैं, तो मज़ा आया आपको भी काफ़ी? बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, मतलब बच्चे जो हैं वो हर टाइप की प्रॉब्लम थी, उनके इश्यूज जो भी थे जेन्युइन थे, सब उन्होंने पूछे क्वेश्चन, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंटरेक्टिंग रहा, और बहुत स्मार्ट बच्चे भी हैं, हर जगह मिलते हैं, बहुत ही मज़ा आया। तो ठीक है गाइज, बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, पढ़ते जाओ, सिलेक्शन हो ही जाता है उस बच्चे का जो लगातार कंसिस्टेंसी से तैयारी करता रहता है। ठीक है, बस रुकना नहीं है, ग्रो करना डेली थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, ये नहीं होना चाहिए आज जो स्कोर आ रहा है कल भी हमारी जो तैयारी है वो उतनी है उसी स्कोर के लायक, ये नहीं। ट्राई करो आप डेली, आपका जब एक टाइम तक तो स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी एक स्टैग्नेशन आएगी, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, कर लेना, और जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे खासे मॉक्स लगा लेना। अगर कोई बच्चा फिलहाल बाकी है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो भाई कूपन लगाने से जो भी उस टाइम का डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मतलब मैक्सिमम जो बच्चे आपके साथ एक्चुअल में एग्जाम देंगे उनमें से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मॉक्स लगा रहे होते हैं, तो आप इनिशियल स्टेज पे चेक कर सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो कितना आ पा रहा है, आपकी परसेंटाइल कितनी आ पा रही है, रैंक कितनी आ रही है, वो सब चीज़ें देख सकते हो, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है अपने को। ठीक है, तो प्लस नोट्स वोट्स अच्छे बना लेना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो मेरे भाई बस वही बात है, रिविज़न नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो चीज़ आपका स्कोर इम्प्रूव करती है, जो स्कोर बूस्ट करती है, वो होता है आपका रिविज़न। रिविज़न करोगे आप अपने नोट्स से, बिना नोट्स की तैयारी एक किस्म के मतलब डायरेक्शन लेस तैयारी वाली बात होती है। बढ़िया से नोट्स बनाओ, हो जाती हैं चीज़ें। तो चलिए गाइज हम घूमते हैं फिलहाल जोधपुर, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, टाटा टेक केयर, बाय बाय। हेमंत भाई को बढ़िया सा जोधपुर दिखा दिया है, सामने मेहरानगढ़ फोर्ट वो दिखा दिया, उस तरफ उमेद भवन पैलेस वो दिखा दिया, और ये है जसवंत थड़ा। ठीक है, जसवंत थड़ा आपको पता होगा भाई, काफ़ी मूवीज़ की भी यहाँ पर शूटिंग हुई है, दिखाता हूँ, ये देख सकते हो इस लोकेशन पर इसकी शूटिंग हुई है। तो कैसा लगा आपको? बाद में बताएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिला दो ना। हाँ, पिला दूंगा मैं कोल्ड ड्रिंक, पहले रिव्यू दो मुझे जोधपुर का, ये जसवंत थड़ा कैसा लगा? जसवंत थड़ा बहुत ही बढ़िया लगा, इसमें जो है कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली,
ओपीएम परफ्यूम मैंने पहली बार सुना और उसे जो स्मेल किया मतलब बहुत ही सही। अभी तक 7 दिन तक नशे में जाएगी नहीं, नशे में तो नहीं झूमते रहेंगे। अभी थोड़ी देर तक झूमते रहेंगे।